इसलिए कि यहाँ आबादी है। मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, बिहार में बीजेपी कट्टर हिंदुत्ववाद के रास्ते पर बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल अब उसके पास कोई चारा भी नजर नहीं आता है। जब से जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। ऐसे में बीजेपी ने कट्टर हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के तेवर बदले हुए हैं। उनके इस तेवर को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने वाली है, और वो भी खुलकर। तभी तो गिरिराज सिंह ने बेगूसराय से मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा नेता ने इसकी शुरुआत फलाहार और आरती के कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही कर दी। सबसे पहले सुनिए उन्होंने फलाहार और आरती के दौरान क्या बात कही। भाई एक चीज सुन लीजिए, बच जाइए, हिंदू हो या मुसलमान, ये अन्याय नहीं चलेगा। मैं हिंदुओं से कहूंगा, दुर्गा पूजा है, आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो सामाजिक सौहार्द बिगड़े। लेकिन गिरिराज को ये बर्दाश्त नहीं कि ये पाकिस्तान नहीं है, कि हमारी बेटी घर से निकले अब कोई उठा ले, चाहे मुसलमान हो या पैठान हो, अगर गलत फहमी में न रहे। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन हिफाजत करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयानों के जरिए सीधे तौर पर यह जता दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती नजर आएगी। उन्होंने बेगूसराय के हुसैनी चक मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर चेतावनी दी है। बहु बेटी को उठा लेगा, इसलिए कि यहाँ आबादी है, यहाँ कोई न्याय देने वाला नहीं हो। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि रिक्शा पर से उतार करके ले भागा है, गांव में कोई नहीं कहने वाला है। बेटी हिंदू की है, इसका मतलब मुसलमान सब हो गए उस अन्यायी के साथ। बहन जी, आपको आश्वस्त करता हूं, आपकी बेटी आएगी या नहीं आएगी तो आगे मैं दशहरा के बाद देखूंगा। जाति आधारित जनगणना के बाद 17% मुस्लिम और 15% यादव का समीकरण लालू प्रसाद यादव के साथ है। नीतीश लालू सहित तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हिस्सेदारी के आधार पर दावेदारी का लालच देकर 63% पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को साधने की कोशिश में है। ऐसे में सवर्ण समाज और 63% पिछड़े और अति पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति को एक सूत्र में बांधकर भाजपा 82% हिंदुओं को साधने की कोशिश में है। भाई एक चीज सुन लीजिए, बच जाइए, हिंदू हो या मुसलमान, ये अन्याय नहीं चलेगा। मैं हिंदुओं से कहूंगा, दुर्गा पूजा है, आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो सामाजिक सौहार्द बिगड़े। लेकिन गिरिराज को ये बर्दाश्त नहीं कि ये पाकिस्तान नहीं है, कि हमारी बेटी घर से निकले अब कोई उठा ले, चाहे मुसलमान हो या पैठान हो, अगर गलत फहमी में न रहे। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन हिफाजत करेगा। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने के लिए ये जरूरी है कि भाजपा बिहार में 82% हिंदुओं को साधने की कोशिश करे। ऐसे में बीजेपी के पास जाति जनगणना के बाद कट्टर हिंदुत्व की राह पकड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के इस हिंदुत्व कार्ड का क्या काट खोजती हैं। तीनों टाइम के नवाजी भी हो जाए तो हमको कौन रोक लेगा, ये तो बिदंगड़ा खड़ा करता है ना ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा, आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चीज पर आए थे सरकार में, महंगाई, जब सिलेंडर 500 रुपए किलो 500 रुपए सिलेंडर था
तो ये लोग कपार पर सिलेंडर ले लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे, अब 1100 रुपए पर क्या नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। 1700 रुपए सिलेंडर हो गया, जो रहर का दाल 60 रुपए था 135 रुपए किलो हो गया, इस पर तो कोई नहीं बोल रहा है कि काहे हो गया, क्या रहर के दाल की उत्पादन कम हो गई, क्या हुआ? आपने एक्सपोर्ट करा दिया और लोगों को यहां पर जो बिचौलिया है, बिजनेसमैन है, जो दाल का खादान का काम करता है, उसको आपने प्रोटेक्शन दे दिया, और गरीब जनता मिडिल क्लास लोग जो है उनको परेशानी हो रही है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। बेरोजगारी पर आपने कहा, आपने सब जगह आउटसोर्स कर दिया, रिजर्वेशन जो था, जितने भी जो दलित के लोग थे, अति पिछड़ा के लोग थे, उनका सब रिजर्वेशन आप खा गए, उस पर आप नहीं बोलिएगा। गिरिराज सिंह को बोलिए उस पर बोलने के लिए, वोट लेते हैं महादलित का, वोट लेते हैं अति पिछड़ा का, कहे नहीं बोलते हैं, खाली हिंदू फलहार पर बोलेंगे, इफ्तार पर बोलेंगे, चंदन पर बोलेंगे, रुद्राक्ष पर बोलेंगे, टिक्की पर बोलेंगे, इसके अलावा किसी पर, पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है देश की, उसके ऊपर इनका कुछ नहीं बोलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBT ऑनलाइन।